हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरुका रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम तिल गुड़ मूंगफली के लड्डू बनाएंगे, तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तिल लिए हैं। जितने मैंने तिल लिए हैं उतने ही सेम क्वांटिटी में मैंने गुड़ लिया है, यानी 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। 2 टेबल स्पून घी लिए है और आधा कप मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके छिलका निकाल के दरदरा कूट लिया है। अब एक कढ़ाई में तिल डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए तिल को लगातार चलाते रहेंगे। तिल बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, इसलिए गैस का फ्लेम लो ही रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए तिल का कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़े से फूल भी गए हैं। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं सेकेंगे। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तिल को सिकने में लगभग 3 मिनट का समय लगा है। इसे बाउल में निकाल के ठंडा करके दरदरे इनको पीस लेंगे। तो मिक्सर जार में तिल डाल दिए हैं। अब इन्हें दरदरा पीस लेंगे। देखिए इनको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। आप चाहे तो साबुत तिल के भी आप लड्डू बना सकते हैं। अब सेम कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। गुड़ डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इन्हें भी लगातार चलाते रहेंगे। और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। गुड़ के जो भी बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ते जाएंगे। गुड़ को जल्दी मेल्ट करने के लिए और लड्डू को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ 2 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी। इससे ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो लड्डू ढीले बनेंगे। पानी डालने से गुड़ तो जल्दी मेल्ट होता ही है, लड्डू भी सॉफ्ट बनते हैं। अब गुड़ में एक अच्छा झाग आने तक पकाना है। देखिए झाग आना शुरू हो गए हैं। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। गुड़ में एक अच्छा झाग आ गया है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक बाउल में पानी डालेंगे और इस तरह से गुड़ डाल देंगे। ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने डाल देंगे और ये तिल डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और तीनों चीजों को मिला लेंगे। जब तक तिल गुड़ मूंगफली अच्छे से मिल नहीं जाती तब तक इसे लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल गई हैं। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हथेलियों को पानी से ग्रीस कर लेंगे। आप तेल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो गुड़ के गर्म होने से हथेलियाँ जल जाएंगी। लड्डू आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं। लड्डू बनाने का प्रोसेस जल्दी करना है, क्योंकि एक बार ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में परेशानी होगी। तो
इस तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लीजिए और इनको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।